अर्थात शिवशंकर ने तप करके श्री गणेश जी से विजय श्री का वरदान प्राप्त किया। भगवान शंकर सुंदर, प्रसन्न, साक्षात सद्गुण मूर्ति हैं। उनका निवास मणिपुर क्षेत्र में है। उस महादेव पुत्र को मेरा प्रणाम। गणपति का मतलब है 8, 10 या 12 भुजाएं युक्त शक्तिशाली गणपति। भोलेनाथ ने महागणपति का ध्यान करके ही त्रिपुरा सुर पर विजयश्री पाई थी। इसीलिए ये स्थान त्रिपुरारी वरदे महागणपति भी कहलाता है। क्षेत्र रांजन गांव पुणे अहमदनगर के छोटे से मार्ग पर एक छोटा सा शहर है। शिरूर से 21 किलोमीटर पहले और पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गणपति से जुड़ी पौराणिक कथा में महादेव द्वारा त्रिपुरासुर वध का उल्लेख है। त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर विजय पा ली थी। उसे गणेश जी द्वारा वरदान प्राप्त था कि भगवान शंकर के अलावा उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। देवताओं ने गणपति जी से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें। तब उन्होंने स्वयं ब्राह्मण वेश धरा
और त्रिपुरा सुर को 3 पुष्पक विमान भेंट किए। बदले में गजानन ने चिंतामणि की मूर्ति मांगी, जिसको लाने के लिए त्रिपुरा सुर ने अपना दूत भेजा। महादेव ने दूत को मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा सुर ने अपनी सेना के साथ मंदिर पर कब्जा कर लिया। तब सदाशिव ने षडाक्षर मंत्र का जाप किया। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जिससे प्रसन्न होकर गजानन ने वरदान दिया कि सहस्र नाम जाप करने से वे त्रिपुरों और त्रिपुरा सुर को भस्म करने में सक्षम होंगे। ये घटना कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा को घटी थी, इसलिए इसे त्रिपुरा पूर्णिमा कहते हैं। तभी से ये मान्यता है कि गणपति जी के सहस्र नाम जाप करने से सभी रुके काम सफल होते हैं। जिस जगह भोलेनाथ ने गणेश आराधना की थी वह मणिपुर कहलाता है और आज रांजन गांव के नाम से प्रख्यात है। मंदिर का प्रवेश द्वार भव्य और दर्शनीय है। मंदिर पूर्वाभिमुखी है और द्वार पर जय विजय नामक दो द्वारपाल हैं। अंदर प्रवेश करते ही मुख्य देवालय नजर आता है। सूर्य किरणें गणेश मूर्ति को दुलारती प्रतीत होती है। गणपति जी की मूर्ति के दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि विराजित हैं,
और उनकी सूंड बाएं ओर मुड़ी है। भाद्रपद महीने से सभी लोग गणेश पूजन के लिए मंदिर में ही आते हैं। शुद्ध प्रतिपदा से षष्ठी तक रांजण गांव में बड़ी यात्रा होती है। पहले चार दिन तक गलियों में गणपति जी की पालकी निकाली जाती है। इसे द्वार यात्रा कहते हैं। उत्सव के दिनों में ग्रामवासी गर्भगृह में स्वयं जाकर महागणपति की पूजा करते हैं। पंचमी के दिन उपासकों को महाप्रसाद दिया जाता है। त्योहार के दिनों में हजारों दर्शनार्थी महागणपति के दर्शन करने आते हैं। अन्याबाद देव जी को मौर्य गोसाव जी ने पंचरस धातु की मूर्ति भेंट की थी। जुलूस उत्सव के दिनों में यह मूर्ति निकाली जाती है। महागणपति के मंदिर के निर्माण के समय उसका दिशा साधन किया गया था। दक्षिणायन में संक्रांति के बाद गणेश जी की मूर्ति पे जब सूर्य किरण आती है तो बेहद खूबसूरत नजारा पेश करती है। प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश करते ही मुख्य देवालय नजर आता है, जो पेशवा कालीन नगाव खाना की याद दिलाता है। माधवराव पेशवा जी ने ही स्वयंभू मूर्ति के लिए पत्थर का गर्भगृह बनवाया।
1790 में पेशवा जी ने अन्याबा देव जी को महागणपति जी की पूजा का पुश्तैनी अधिकार दिया। देवालय का मंडप सरदार कीबे जी ने बनवाया तो ओबरिया, जहां भगवान के दर्शन करने के बाद ध्यान धारण किया जाता है, सरदार पवार और शिंदे जी ने बनवाई। महागणपति अष्टविनायकों में लोकप्रिय तीर्थ है और विभिन्न भक्त श्रद्धालु यहाँ दान पुण्य करते हैं और मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। मोरिया गोसाव जी की ही प्रेरणा से देव परिवार महागणपति की पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि गणेश जी का सहस्रनाम जपने से मुश्किल कार्य भी मुमकिन हो जाते हैं। श्री त्रिपुरारी वरदे महागणपति विरजयते।